हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ए टू जेड क्लासेस में। आप लोग को बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल सेट टू का वर्णन करने जा रहे हैं। मॉडल सेट इसके पहले वन बतला दिया गया है। आप लोग मॉडल सेट टू का 70 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर वन, कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से प्राप्त होता है, तो SCHO प्राप्त होता है। क्या होता है? चला SCHO। क्वेश्चन नंबर टू, ए बी और सी तत्वों का मानक अपचयन विभव का मान देल है, क्रमशः दिया हुआ है, तो कह रहा है अपचयन शक्ति। तो अपचयन शक्ति जो होता है विभव के उल्टा होता है, जिसका कम रहेगा। तो सबसे कम देखिए ए है, ये बी है और सी है, तो सबसे कम होगा, सबसे कम ये मान है तो सबसे ज्यादा बी का होगा, उसके बाद ये मान है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर तीन, एंजाइम क्या है? क्वेश्चन नंबर तीन देखना, एंजाइम क्या है? चला तो प्रोटीन है। एंजाइम एक प्रकार का क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर चार, सल्फाइड एस को सांद्रण किया जाता है किसका? फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। सल्फाइड एस का सांद्रण किसके? फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर पांच, टिंडल प्रभाव पाया जाता है, तो टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है? चला सॉल में। ये कुछ क्वेश्चन मॉडल सेट वन से मिलेगा, लेकिन टोटल मॉडल सेट वन से नहीं मिल रहा है। आप लोग को आगे जाके अलग क्वेश्चन हो जाएगा मॉडल सेट टू में, तो इसलिए ध्यान देना। आगे से लगभग 10 क्वेश्चन सेम टू सेम है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, एल्काइल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है ऊर्जा अभिक्रिया। क्या कहलाती है? चला ऊर्जा अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर सात, क्या हम लोग को देखना है? क्वेश्चन नंबर सात देखना है। चला ध्यान से देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक यदि आप हमारे चैनल को लाइक नहीं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो पांच का आंसर क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। और छह का आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर सात देखना है जी। क्वेश्चन नंबर सात बहुत ही CrH2O4 में सर्कुल कितना होगा? परसर्कल कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? चला +3। ऑक्सीकरण संख्या बोलेगा तो कितना हो जाएगा? +3। क्वेश्चन नंबर आठ, अभिक्रिया प्रीवियस पिछला मॉडल सेट वन का ही क्वेश्चन है। ये सब हम लोग किसमें चल रहा है? मॉडल सेट वन में ही चल रहा है, यानी हेक्सेन। अभी तक क्वेश्चन सेम मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर नौ, PπDy बंधन होता है SO3 पे 2 माइनस में। SO3 पे कितना? 2 माइनस में। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ग 16 के तत्व कैल्कोजेन। ये भी मॉडल सेट, अभी तक मॉडल सेट वन का सेम क्वेश्चन सेम टू सेम चल रहा है। प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण विभव MN का होता है, किसका होता? चला MN का। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में किसमें फोरियप? तो फोरियप लेंथेनाइड में पाया जाता है, 5F रहता तो एक्टिनाइड होता। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, K3 में सीआर का उपसंयोजन +6 होगा, इसका 2 होता है, तो 2×3=6 होगा। चला आपको मॉडल सेट में 3 बतलाया गया जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था में सेल विभव वाहक का मान 0 होता है, साम्यावस्था में कितना हो जाएगा? चला 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अभिक्रिया CH3CN H3O का उत्पाद क्या होगा? CH3COOH हो जाएगा, तो 15 का क्या हो जाएगा? ए होगा, CH3COOH। क्वेश्चन नंबर 16, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में कौन सा बंधन सबसे प्रबल बंधन? तो ClCl बंधन। कौन बंधन? चला ClCl बंधन। एक बार वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, एक बार रिविजन, बहुत कम समय है, पूरा रिविजन करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर, विटामिन ए कहलाता है, तो विटामिन ए जो होता है, चला ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है विटामिन ए कहलाता है रेटिनॉल। विटामिन ए कहलाता है क्या? रेटिनॉल। एस्कॉर्बिक अम्ल नहीं होगा, क्या होगा? चला रेटिनॉल होगा। विटामिन ए क्या कहला जाएगा? रेटिनॉल कहला जाएगा। मॉडल सेट वन में एस्कॉर्बिक अम्ल दे दिया गया है, लेकिन यह गलत होगा, एस्कॉर्बिक अम्ल नहीं होगा, क्या होगा? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखना है। चला क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही ध्यान से देखना है। हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला सोना होगा, क्या होगा? सोना। क्वेश्चन नंबर 19, लोहा का जंग लगने से रोकने के इसका सबसे अच्छा तरीका क्या हो जाएगा? इनमें से लोहा को रोकना है तो आयरन कैथोड बनाकर खारे जल में इसे रखकर ए और बी दोनों क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? चला इनमें से कोई नहीं।
क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20, इथॉक्सी इथेन दोनों तरफ CH2 देखिए C2 है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस में मैग्नीशियम पाया जाता है, क्लोरोफिल में, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, चला क्लोरोफिल में। क्वेश्चन नंबर 22, अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या होता है, चला स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, भौतिक अधिशोषण में कितना 20 से 40 कितना याद कर रखना है, 20 से 40। अभी तक क्वेश्चन से मॉडल सेट का क्वेश्चन नंबर मॉडल सेट 1 से सेम टू सेम मिलते जा रहा है। SN2 क्रिया विधि में निर्माण होता है तो संक्रमण अवस्था का, कार्बोधनायन का नहीं चला, किसमें SN1 रहता तो कार्बोकेटायन होता है, इसे संक्रमण ट्रांजिशन स्टेट। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा यौगिक जल में विलेय है, निम्न में कौन सा यौगिक जल में विलेय, देखिए यहाँ पर अल्कोहल है, अल्कोहल जल के साथ क्या करता है, चला हाइड्रोजन बंधन बनाता है तो जल में विलेय होगा। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 देख रहा है ध्यान से, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक कर दीजिए वीडियो को। कार्बोनिल समूह में कार्बन का प्रसंस्करण तो sp2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चला sp2। क्वेश्चन नंबर फॉर्मल्डिहाइड को या NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है, गर्म करते हैं किसके साथ, NaOH, तो क्या बनेगा, एसीटोन बनेगा, क्या बनेगा, चला सॉरी यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल बनेगा, क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड को बना रहे हैं तो मिथाइल अल्कोहल क्या बन जाएगा, चला 27 का सी हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 28, अभिक्रिया में का उत्पाद क्या होगा, अभिक्रिया है तो इसका उत्पाद फिनॉल होगा, क्या होगा, चला फिनॉल होगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रतिफल, निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रतिफल क्या है वो बतलाना है, निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रतिफल क्या हो जाएगा तो अमोनिया बनेगा, NO2 है तो यहाँ पर अमोनिया बनेगा, यहाँ पर एमीन बनेगा, बेंजीन एमीन। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम, तो इनमें से सभी, सब के सब जो है कृत्रिम है, चला। क्वेश्चन नंबर 30, आप लोग को मॉडल सेट 1 से मिल रहा है फिर भी हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 31 ध्यान से देखना है, चला निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, प्राकृतिक बहुलक हो जाएगा, चला कौन, प्रोटीन, निम्नलिखित में कृत्रिम बहुलक कौन हो जाएगा, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 32, हेक्सा एमीन प्लेटिनम क्लोराइड का सही सूत्र, हेक्सा एमीन 4 लाना है, कितना लाना हम लोग को यहाँ 4, तो 04 यहीं पर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन ए हो जाएगा, चला। क्वेश्चन नंबर 33, अभी तक मॉडल सेट 1 से मिलता जा रहा है सेम टू सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, लेकिन लास्ट में अंतर होगा, कौन अक्रिस्टलीय ठोस है, तो कांच होता है अक्रिस्टलीय ठोस, चला। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में कौन अनुसंग गुणधर्म है, तो प्रसरण दाब, अनुसंग गुणधर्म कौन है, प्रसरण दाब। क्वेश्चन नंबर 35, देखिए ये भी मॉडल सेट 1 का क्वेश्चन है, तो 3×10⁵ कूलम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, बेरवादार ठोस का उदाहरण है रबड़, बेरवादार मतलब अक्रिस्टलीय होता है, बेरवादार किसको बोला जाता है, अक्रिस्टलीय को। क्वेश्चन नंबर 37, अभिक्रिया C2H5BrKOH का करेगा तो ये इथीन बन जाएगा, 2 कार्बन का इथीन, डबल बॉन्ड, अल्कोहलिक है तो डबल बॉन्ड में बदल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, फोटोग्राफिक प्लेट में किसका, सिल्वर ब्रोमाइड, फोटोग्राफिक प्लेट किसका होता, चला सिल्वर ब्रोमाइड। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग को देखना है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 गायब है, क्वेश्चन नंबर 41 हम लोग देख लेते हैं, चला क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देख लेते हैं, 41 देखते हैं, 41 में क्या है, CH4 में सिग्मा बंधन की संख्या, CH4 में सिग्मा बंधन की संख्या 4 होता है, 42। क्वेश्चन नंबर 42, आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या 8, द्वितीय आवर्त में कितना तत्व होता है, 8 तत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 43,
क्वेश्चन नंबर 43 देखना है। कह रहा है एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है तो उसे कहते हैं भर्जन। गलनांक से कम ताप पर हवा की अधिकता में, हवा की अधिकता है तो भर्जन होगा, अब कहता हवा की अनुपस्थिति तो निस्तापन हो जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, उजला और पीला फास्फोरस है तो उजला और पीला फास्फोरस क्या हो जाएगा चला, उजला और पीला फास्फोरस अपरूप होता है। उजला और पीला फास्फोरस क्या होता है, अपरूप होता है। उजला और पीला फास्फोरस क्या हो जाएगा, अपरूप हो जाएगा। उजला और पीला फास्फोरस क्या रहेगा चला, अपरूप होगा। 45, ब्यूना यन तथा ब्यूना यस है, ब्यूना यन और ब्यूना यस क्या है चला, संश्लेषित रबड़ है। क्या है, संश्लेषित रबड़ है। क्वेश्चन नंबर 46, डेटॉल का उपयोग किया जाता है, डेटॉल का उपयोग प्रतिरोधी में किसमें चला, प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। डेटॉल का प्रयोग किया जाता है किसमें, प्रतिरोधी में। क्वेश्चन नंबर 47, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है तो दोनों के दोनों आधातु है। क्वेश्चन नंबर 48, अल्कोहल बनाने में एल्केन के एक हाइड्रोजन के किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसके द्वारा चला, हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH के द्वारा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसके, OH के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49, CH3COOH IUPAC नेम है, CH3 इथेनोइक अम्ल, क्या अम्ल, दो कार्बन है तो इथेनोइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 50, ये सब देखिए क्वेश्चन मॉडल सेट 1 से अलग है। सुक्रोज का सूत्र है, सुक्रोज का मतलब होता है चीनी, चीनी का सूत्र C12H22O11 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणुक है तो हीलियम, कौन सा गैस एकल परमाणुक है चला, हीलियम। क्वेश्चन नंबर 52 देखना चला, K3Fe6 एक है, एक क्या है तो उपसंयोजक यौगिक है, क्या चला, उपसंयोजक यौगिक। क्वेश्चन नंबर 53, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 53, संक्रमण तत्वों को और भी नाम से जाना था, संक्रमण तत्व होता है पी ब्लॉक का तत्व, एक संक्रमण तत्व डी ब्लॉक का तत्व होता है, क्या होता चला, डी ब्लॉक का तत्व। क्वेश्चन नंबर 54, अमोनिया आद्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है तो नीला में, किस में चला, नीला में। क्वेश्चन नंबर 55, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल HNO3 जो है नाइट्रिक अम्ल किसके द्वारा, वेस्टवाल्ड विधि के द्वारा, किसमें द्वारा चला, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलता तो हो जाएगा संपर्क विधि, लेकिन यहाँ पर वेस्टवाल्ड विधि होगा। क्वेश्चन नंबर 56, PCl5 है, PCl5 क्या है, ऑक्सीकारक है, PCl5 क्या है चला, ऑक्सीकारक है। क्वेश्चन नंबर 57, K4Fe6 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या तो यहाँ पर 4 - 6 तो 2 हो जाएगा, उधर जाएगा तो +2, ऑप्शन नंबर ए 57 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 58, लोहा का मुख्य अयस्क, क्वेश्चन नंबर 58, लोहा का मुख्य अयस्क है हेमेटाइट, लोहा का मुख्य अयस्क क्या है चला, हेमेटाइट, लोहा का मुख्य अयस्क कैसे, देखिए मैग्नेटाइट भी है, सीडेराइट भी है, हेमेटाइट, तो लोहा का मुख्य अयस्क क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा चला, चला सभी हो जाएगा, इनमें से सभी, सभी के सभी लोहा का मुख्य अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 59, H2SO4 है, H2SO4 है क्या है चला, द्विभाष्मिक अम्ल, क्या हो जाएगा, द्विभाष्मिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 60, पेट में अत्यधिक अम्ल को रोकने के लिए प्रति अम्ल एंटी एसिड प्रति अम्ल ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, पॉलीथीन एक बहुलक है, पॉलीथीन किसका है, इथीन का बहुलक है, किसका चला, इथीन का बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 62, हीलियम का सूत्र HE। क्वेश्चन नंबर 63, ध्यान से देखिए, बहुत कम समय है, कम समय में आपको रिवीजन करवा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट जो जलाशित होकर 3 से लेकर 10 सैकेराइड प्रदान करता है उसे कहते हैं, ये 3 से लेकर कहाँ तक 10 सैकेराइड प्रदान करेगा उसको क्या बोलेंगे, ओलिगोसैकेराइड, और बहुत सारा करता है तो उसको पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65,
क्वेश्चन नंबर 64, आवर्तन ग्रुप वन के तत्व को कहा जाता है क्षारीय धातु। ग्रुप वन का क्षारीय होता है और ग्रुप टू वाला को क्षारीय मृदा धातु बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है चला। क्वेश्चन नंबर 66, CH2NH2 को कहा जाता है दो कार्बन है इथाइल एमीन, क्या हो जाएगा इथाइल एमीन। 66 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 67, एक फैराडे विद्युत कितना कूलम 96,500 कहा गया 96,500। क्वेश्चन नंबर 68, कॉपर धातु का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है। कॉपर धातु का शोधन विद्युत अवघटनी विधि, किस विधि द्वारा चला विद्युत अवघटनी विधि। क्वेश्चन नंबर 59, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र HNO3, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र HNO3। क्वेश्चन नंबर 70, अल्कोहल का क्रियाशील मूलक OH, अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है OH। तो ये हम लोग मॉडल सेट 2 देख रहे थे, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मॉडल सेट 3 लेकर आऊँगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब कर दें।